गजा के शुजाइया मोहल्ले में गोलानी स्पेशल ब्रिगेड के फौजियों के खिलाफ अल कसाम मुजाहिदीन के हमले और उनके साजो सामान की तबाही के मनाजिर। भारी जानी नुकसान उठाने के बाद गोलानी ब्रिगेड को गजा से वापस बुला लिया गया। आज हिजबुल्ला के एक मिसाइल हमले में गासिब सिहूनी फौजियों का भारी जानी नुकसान हुआ है। ये वीडियो देखिए। हिजबुल्ला ने लबनान फलस्तीन सरहद पर डॉलर बस्ती में गासिब इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की एक और वीडियो रिलीज की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुझे SHO ने मुक्का मारा, किक मारी गई, क्या यह रवैया दुरुस्त है। एक TGTV से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त मुझे धक्के दिए गए, मैंने तो हमेशा पुरअमन रहने का दर्श दिया है। सहाफी ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया कि गिरफ्तारी के अलावा कोई प्रेशर है। इस पर उन्होंने कहा कि जहनी और जिस्मानी तशद्दुद कम है क्या। PDI के रहनुमा का कहना था कि मैं कराची में था जबकि रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। जेल तो जेल होती है, मुझे तो फिर कैदे तन्हाई में रखा गया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप खुद देख लें कि ये किस हद तक जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मैं वजीर खारजा रहा और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, लेकिन ऐसा रवैया अपनाया गया। उनका मजीद कहना था कि मैंने जो बयानात दिए इसमें पूरा मन एहतजाज और अच्छे बर्ताव का पैगाम था। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिर दो साशे कमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चोर दरवाजे के बजाय खुले दरवाजे से आए। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इलेक्शन का बगल बजने के बाद स्क्रूटनी इलेक्शन का हुस्न तबादला कर रही है। मजीद कहा कि उम्मीदवारों की स्क्रूटनी और शमूलियत इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन के अमल से गुजरने के लिए आई हूँ। सियालकोट से भी जनरल नशीस से इलेक्शन लड़ रही हूँ। कागजात की तकमील के करीब टिकट्स का फैसला होगा। जमात जो इलेक्शन के लिए तड़प रही थी वो हालिया बहाने कर रही है। PDI वाले चोर दरवाजे के बजाय खुले दरवाजे से आए। उन्होंने कहा कि अदालतों में रिलीफ किसी खास जमात को मिल रहा है, अदालतों को तस्लीम करें, मायार एक होना चाहिए, पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। 9 मई में मफरूर या नामजद मुल्ज़िम पर कानून लागू होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि बताया जाए कि 9 मई के वाकयात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि कौम को बताया जाए कि सहूलत कारों के डंडे कहाँ मिलते हैं, अरबों रुपए के खराजात का हिसाब कौन देगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आज भी कुछ लोग ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें लेवल प्लानिंग फील्ड देंगे तो मकबूलियत का पता चलेगा। जावेद लतीफ का कहना है कि मैं इस वक्त भी कहता हूँ कि सहूलत कारी हो रही है, कितनी ऑडियो लीक हुई थी ये तो बताया जाए, ये सच्ची है या झूठी। नून लीग रहनुमा ने यह भी कहा कि इसका भी पता चलाना चाहिए कि ये ऑडियो कौन लीक करता है। शाह महमूद कुरैशी का नाम मजीद 12 केस इसमें शामिल करते हुए इन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानहा 9 मई के रावलपिंडी जिला में 12 मुकदमा दर्ज हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तमाम 12 मुकदमात में 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत मांग ली।